नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तीन वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उसके अलावा डीएससी की भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले जो पोस्ट है, यह है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी जो हेड गार्ड है उसकी वैकेंसीज है। टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। और 40 सिक्योरिटी गार्ड और हेड सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है। ESM JP ग्रुप 8 बीना, जो कि मध्य प्रदेश में है, थर्मल प्लांट प्लांट पावर प्लांट में, यहाँ पे लोकेशन में जॉब लोकेशन रहेगी। इंटरेस्टेड ESM में रिपोर्ट टू इंटरव्यू बिटवीन 8 मार्च से लेके 20 मार्च 2023 तक। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिज्यूम, डिस्चार्ज बुक, ESM कार्ड, PPO और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास कोई है तो। पे और जो सैलरी है क्या क्या दी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की 24,333 रुपये होगी, जो कि सिपाही और नायक है, और हेड सिक्योरिटी गार्ड के लिए 27,143 रुपये। रिटायर्ड जो हवलदार रैंक के हैं, उसके अलावा फ्री फर्निचराइज्ड एकोमोडेशन आपको फ्री में दी जाएंगे, तो अवेलेबल होंगे यहाँ पे। यूनिफॉर्म फी दिया जाएगा फ्री में, 45 दिन की छुट्टी होगी फाइनेंशियल ईयर में। और उसके अलावा यहाँ पर जो और डिटेल है, जिसमें बेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पूर्व सैनिक सभी होंगे, और जो ड्यूटी होगी 26 दिन महीने में ड्यूटी होगी, यानी महीने में भी एक वीक आपको दिया जाएगा। उसके अलावा 45 दिन यहाँ पे और छुट्टी दी जाएंगी। सब्सिडाइज फूड होगा, बनाया बुना खाना आपको 30 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा डे, ऑल 3 मील्स इंक्लूड टी। आप समझ सकते हैं कि 30 रुपये में आपको तीन टाइम का खाना और यहाँ पर टी दिया जाएगा। बिलो 50 ईयर जो भी है, मेडिकली सेफ वन है, वो इसके लिए अप्लाई या एप्लीकेबल है। कैटेगरी सेफ वन चाहिए, कैरेक्टर एग्जाम्पल होना चाहिए, मेडिकली सेफ वन एज मेंशन इन डिस्चार्ज बुक में होना चाहिए लिखा हुआ। और फिर भी आपको कोई क्वारी है, कोई आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की, आप पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के नंबर हैं। ड्यूटी ऑफिसर कंट्रोल रूम का नंबर यहाँ पे दिया गया है, उसके अलावा GM एडमिन एंड सिक्योरिटी के नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इन नंबरों पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है, रिएनरोलमेंट इन टू DSC NCORR के लिए 2 मार्च 2023 को भर्ती है, और ये जो भर्ती होगी, इट इज इंटीमेटेड दैट DSC री इनरोलमेंट ऑफ एक्स NCORR के लिए है, रेजिमेंट ऑफ RT इज शेड्यूल्ड इट RT सेंटर नासिक रोड कैंप 2 मार्च 2023 को। जो भी NCORR हैं उनकी DSC की भर्ती है 2 मार्च 2023 को है, तो उससे पहले आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना होगा। ये वैकेंसीज है NCORR के लिए। और नेक्स्ट जो अपडेट है, DSC भर्ती, जैसे कि मैंने बताया था कि NCORR के लिए 2 मार्च 2023 को है, GCOs के लिए 18 मार्च 2023 को बताया गया। हालांकि इससे संबंधित कोई भी लेटर हमें नहीं प्राप्त हुआ है। NCORR के लिए 2 मार्च को है, इससे संबंधित मैंने आपको अभी लेटर बताया, लेकिन GCOs से संबंधित कोई भी लेटर नहीं मिला है। लेकिन ये मैसेज एक किसी बंदे ने दिया है, तो रिक्वेस्ट ये किया जाता है आपसे कि आप GCOs हैं, DSC में जाना चाहते हैं, तो इससे संबंधित आर्टरी सेंटर नासिक रोड में आप अपने कोई साथियों से या जानकारी आप ले सकते हैं। आप इस मैसेज के आधार पर ना जाएं, क्योंकि इसका कोई लेटर हमें पास नहीं मिला। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की क्रिटेरिया में जो है, अप टू 2 ईयर तक यहाँ पर छूट दी गई है फॉर अदर ट्रेड्स, और 5 साल का जो छूट है वहाँ क्लर्क को दिया गया है। ट्राई टू कम एंड रिपोर्ट बिफोर 2 डेज फ्रॉम द अबव मेंशन डेट, यानी कि जो मेंशन की गई है डेट यहाँ पे, उससे कम से कम 2 दिन पहले आपको वहाँ पे जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगली जो भर्ती है, यह मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिक्योरिटी सुपरवाइजर एंड सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑन कॉन्टैक्ट बेस पे है दोस्तों। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जा रही है, तो इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी डिटेल्स को जानते हैं हम लोग। हालांकि मैंने इससे संबंधित वीडियो भी पहले बना के रखा, आप लोगों को मिल भी गया होगा। इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया और अप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो ये भर्ती है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। हाँ,
इंस्टीट्यूट इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर द इंडियन नेशनल्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेस पे एंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेस पे। सबसे पहले जो पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, यहाँ पे है 4 वैकेंसीज हैं। सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम आर्मी नॉट बिलो दी रैंक ऑफ सूबेदार, यानी सूबेदार से कम रैंक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 42,000 सैलरी दी जाएगी। दूसरी वैकेंसी सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक वैकेंसी है, और यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 65,000 पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। उसके अलावा 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा पर मंथ के हिसाब से। रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम आर्मी द सीनियर लेवल नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, यानी कैप्टन रैंक से कम नहीं होना चाहिए। इन सभी के लिए 60 से कम के जो भी भूतपूर्व सैनिक वही इसके अप्लाई करें। 6 मार्च 2023 सप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी 6 मार्च तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जो है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट रिजल्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपको ऑफलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन के साथ हमारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए इनवेलप के ऊपर बाहर बड़े अक्षर में आपको लिखना होगा, और जो भेजना है द रजिस्ट्रार मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर जेलन मार्ग जयपुर राजस्थान 302017 इंडिया, इस पर आपको भेजना होगा। यहाँ पे जो भी इंटरव्यू के लिए जाता है उनको यहाँ पर कोई भी जो अलाउंस है TDA नहीं दिया जाएगा। तो ये इसका फॉर्म जो फिलअप करके आपको भेजना होगा, किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं यहाँ पे मेंशन करना होगा, फोटो यहाँ पे लगानी होगी, यहाँ पे नाम आएगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन फुल कैपिटल, फादर्स नेम यहाँ पे आएगा फुल कैपिटल में, फुल एड्रेस कम्युनिकेशन विद पिन कोड भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी होगी, डेट मंथ ईयर कितनी है, एज एज ऑन 6 मार्च 2023 तक आप कितनी हो जाएगी यहाँ पे मेंशन करनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम पास किया आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो भी है, सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे मेन मेन सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था, और परसेंटेज ऑफ मार्क कितने थे, कैटेगरी आप SC ST OBC किस कैटेगरी के हैं, उसके अलावा डिटेल्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन आर्मड फोर्सेस, नेम ऑफ द फोर्स सर्विस विद आर्म विंग किस में थे आप, कॉर्पस इन्फेंट्री यहाँ पे उसके नाम लिखनी होगी, जाट रेजिमेंट राज रैफल जो भी है आप जिसमें भी थे, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट डेट ऑफ रिलीज लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे मेंशन करनी होगी, उसके अलावा एक्सपीरियंस इफ एनी आफ्टर डिस्चार्ज के बाद आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी किया उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देनी होगी, कहाँ कब से कब तक थे, पीरियड क्या था, और रिमार्क कैसा रहा वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज कोई है आपके पास तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज कौन सी जानते हैं आप लिखना आप बोलना यहाँ पे मेंशन करें। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल रेजिडेंस का यहाँ पे मेंशन करें। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इन सब को आपको जरूर देना है, और यहाँ पर आप हम लिख सकते हैं डेट प्लेस सिग्नेचर, और इस तरह का आपको डिटेल्स मिलेगा जो पहले मैंने बताया था वही सेम यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो को डिस्कशन में। आज लेता है।